हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी, और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे तो मैं भी प्रतिभा, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में गाइस। सो आई नो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये, बट फाउंडेशन के बिना मेकअप कम्प्लीट ही नहीं हो सकता है, राइट? तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी। तो गाइज, मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस मिलते हैं, अलग अलग फिनिश के फाउंडेशंस मिलते हैं, एचडी फाउंडेशंस मिलते हैं, मैट फाउंडेशंस मिलते हैं, सेमी मैट मिलते हैं, ड्यूई मिलते हैं, ल्यूमिनस मिलते हैं, रेडियंट फाउंडेशंस, नरिशिंग फाउंडेशंस, बहुत सारे फाउंडेशंस है। तो कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा फाउंडेशन आपको खरीदना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत टाइप का फाउंडेशन खरीद लिया अपने स्किन के लिए तो वो कभी भी अच्छा नहीं दिखने वाला है, हमेशा आपका मेकअप पैची केकी लगेगा और आपको यही समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसे लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही टाइप का फाउंडेशन अपने स्किन टाइप के लिए खरीदो। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फाउंडेशन खरीदते हैं तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्किन टोन, स्किन टाइप और अंडरटोन। तो ये सब कुछ हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशंस मार्केट में अलग अलग फॉर्म में आते हैं, मतलब क्रीम फाउंडेशंस आते हैं जो ऐसे पैलेट में होते हैं या तो फिर ये ऐसे इसमें आते हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रीम, जो ऐसे स्टिक फॉर्म में आते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीम फाउंडेशंस, ठीक है? तो ऐसे पैलेट्स में आते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड फाउंडेशंस। तो लिक्विड फाउंडेशंस ये ऐसे बॉटल में आते हैं। तो जो भी चीजें ऐसे बॉटल में आती है गाइज, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड फाउंडेशंस। ऐसे ट्यूब में भी होगा, तो ये सब है लिक्विड फाउंडेशन। थर्ड है मूस फाउंडेशंस, जो मोस्टली हम लोग मेकअप आर्टिस्ट नहीं यूज करते, बट नॉर्मल यूज के लिए आप लोग मूस फाउंडेशंस यूज कर सकते हैं। नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए है मूस फाउंडेशंस में, और आई थिंक मेबिलिन में आप लोगों को मूस फाउंडेशंस मिल जाएंगे। तो मूस फाउंडेशन लगाना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग उसके साथ स्पॉन्ज आ जाता है उससे ही आपको लगाना है, बट ये ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए नहीं है। और ब्राइट्स पे हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बट आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हो तो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है पाउडर फॉर्म ऑफ फाउंडेशंस। सो पाउडर फॉर्म जो है फाउंडेशंस में, तो वो आते हैं ऐसे कॉम्पैक्ट में। जो भी ऐसे कॉम्पैक्ट में आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाउडर फाउंडेशंस। तो ये फाउंडेशन ही है बट पाउडर फॉर्म में है, ठीक है? इन सब फाउंडेशंस में फर्क क्या है, क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशंस, पाउडर फाउंडेशंस, तो इनमें सब में फर्क क्या, सब फाउंडेशंस में क्या फर्क है, कौन सा स्किन टाइप कौन सा फाउंडेशन यूज करे, तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि जो भी ऐसे क्रीम पैलेट्स आते हैं, क्रीम फाउंडेशंस आते हैं ना, उसका जो कवरेज है बहुत ही हाई कवरेज होता है, इसलिए वो मोस्टली हर एक दाग आपके चेहरे पे, कुछ भी दाग है तो उसको छुपाता है। तो इसलिए हम लोग करेक्शन के लिए एंड ऑल ऐसे क्रीम पैलेट्स यूज करते हैं, बट ये सबसे बेस्ट है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है, इसलिए क्रीम फॉर्म के हम लोग मोस्टली ड्राई स्किन पे यूज करते हैं। सेकेंड आता है लिक्विड। लिक्विड है ऑल स्किन टाइप के लिए, तो कोई भी आपकी स्किन टाइप होगा, आप लोग लिक्विड फाउंडेशन यूज कर सकते हो, और करेक्शन के लिए भी आप लोग लिक्विड करेक्टर्स, लिक्विड कंसीलर्स यूज कर सकते हैं। करेक्शन आपको करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो, वरना कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, आप लोग सब लोग क्रीम पैलेट से ही करेक्शन कर सकते हो। एक्सट्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए लिक्विड करेक्टर्स, लिक्विड कंसीलर्स मिलते हैं गाइज, आप लोग उससे करेक्शन कर सकते हो क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये पाउडर फाउंडेशंस गाइज, तो ये इसका जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ही लो है, कवरेज भी लो है, इसलिए आप लोग सिर्फ इसको ऐसे ही लगा के बाहर चले जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट अभी देखो, मैंने एक लेयर फाउंडेशन का लगाया है, सिर्फ अपना फेस वॉश करोगे, प्राइमर लगाओगे और सिर्फ ये पाउडर फाउंडेशन लगा के बाहर चले जाओगे, तो आपको एक दो घंटे बाद लगेगा कि आपका पूरा मेकअप ही निकल गया, मतलब एक घंटे में ही पूरा मेकअप निकल जाएगा और आपका फेस वापस नॉर्मल ही लगेगा। तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया है, तो इतना कम है इसका ड्यूरेबिलिटी गाइज, ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट अगर आप लोगों को इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो इसका एक तरीका है, आप लोगों को पहले लिक्विड फाउंडेशन लगाना है और लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर आपको इसका एक लेयर लगाना है, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखो ये लगाया है मैंने अपना लिक्विड फाउंडेशन, हाँ, तो लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर अभी मैं ये के ब्यूटी का ले रही हूँ पाउडर फाउंडेशन इन शेड 03, तो ये वाला ले रही हूं मैं और यहां पे लगा रही हूं। तो जैसे ही मैं इसको लगा रही हूं तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा ये कवरेज ऐड कर रहा है। तो अगर आप मेरा ये वाला स्किन देखोगे, ये वाला स्किन देखोगे, तो यहां पे ऐसे लग रहा है राइट कि डबल कवरेज ऐड हो गया है, ज्यादा इसमें कवरेज दिख रहा है।
तो इसीलिए हम लोग हमेशा मीडियम कवरेज फाउंडेशन भी यूज किया होगा और उसके ऊपर अगर हम लोग ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं ना तो ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग बना देता है अपने मीडियम कवरेज फाउंडेशन को और उसका कवरेज भी बढ़ा देता है। मतलब मीडियम कवरेज है बट यहाँ पे देखो हाई कवरेज में वो कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग एक लेयर फाउंडेशन का लगा के फिर ऊपर अगर इसको लगाओगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और जिसकी भी ऑयली स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑयल को एंड ऑल कंट्रोल भी कर एकदम से उसने फेस का जो कवरेज था मेरा पूरा बढ़ा दिया है। तो आप लोग इसके लिए ये ऐसे पाउडर फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। तो आई होप अभी आप लोगों को कौन सा फाउंडेशन किस पे यूज करना है ये सब समझ में आ गया होगा। ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयल, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप लोग फाउंडेशन के ऊपर लगा रहे हो तो अगर सिर्फ ऐसे ही लगा रहे हो तो गाइज ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है। और ये जो लिक्विड फाउंडेशंस है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो आई होप ये क्लियर है। अभी मैं आप लोगों को थोड़े ब्रांड्स भी बता देती हूँ और फिर स्किन टोन के हिसाब से आपको कैसे फाउंडेशन खरीदना है ये भी हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ये बेसिक तो समझ में आ गया कि फाउंडेशन लेते हैं तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, स्किन टोन, स्किन टाइप, अंडर टोन, ओके। तो स्किन टोन क्या करता है, स्किन टोन आप लोगों का आपको देखना है बहुत, अगर आप एकदम पिंकी ग्लो है, बहुत फेयर हो करीना कपूर जैसा तो फेयर है, या तो फिर अगर आप लोग लाइट हो तो मतलब वार्म ग्लो है जैसे कैटरीना कैफ है वैसे हो तो आप लोग लाइट। सेकंड आप लोगों को देखना है स्किन टाइप, तो मतलब आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई है। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में सिखाया था कैसे आप लोगों को स्किन टाइप पहचाननी है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज वो देखना और उससे आप लोगों को पता चलेगा। वेदर के हिसाब से आप लोग आइदर नॉर्मल टू ड्राई हो गए, नॉर्मल टू ऑयली। और थर्ड है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है वार्म, कूल या न्यूट्रल, कुछ तो आप लोग एक होंगे। तो कैसे आप लोगों को ये देखना है वार्म है कूल है न्यूट्रल है, वेन्स देखो अपने यहाँ पे वाले जो वेन्स है ना, ये वेन्स अगर आप मेरे देखोगे तो ग्रीन है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू है और ग्रीन, तो ग्रीन और ब्लू से मिक्स्ड वेन्स रहेंगे तो मोस्टली आप लोग ऑलिव अंडरटोन में आते क्योंकि मैं ऑलिव हूँ। और फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मेरे वेन्स ये वाले देखो तो सब ग्रीन ही दिख रहे, राइट, ग्रीन ही है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लू पैच दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अपना हाथ चेक कीजिए गाइस, देखो सब ग्रीन है यहाँ पे, जितने भी वेन्स मेरे दिख रहे हैं हाथों पे सब यहाँ पे भी दिख रहे, राइट, सब ग्रीन वेन्स ही दिख रहे, थोड़ा सा बस यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। तो मतलब मैं न्यूट्रल हूँ बट वार्म न्यूट्रल हूँ क्योंकि ग्रीन वेन्स मेरे ज्यादा है। तो ऐसे ही आप लोगों को चेक करना है कि आपका क्या अंडरटोन। अंडरटोन चेक करने के लिए एक तो आप लोग ऐसे वेन्स देखो, सेकंड आप लोग ये देख सकते हो कि कौन से कलर्स आप पे अच्छे जचते हैं। अगर एकदम क्रिस्प व्हाइट मतलब बहुत ही प्योर व्हाइट कलर अगर आप पे अच्छा दिखता है ना तो आप लोग कूल अंडरटोन के होंगे, बट व्हाइट प्योर व्हाइट आप पे अच्छा नहीं दिखता, बट व्हाइट में थोड़ा सा क्रीमी येलोइश थोड़ा इफेक्ट एड करते हैं, क्रीम व्हाइट जो बोलते हैं ना लोग, क्रीमी व्हाइट, तो वो अगर आप पे अच्छा दिखता है तो आप लोग वार्म अंडरटोन। तो देखना है कि कौन सा ज्यादा जचता है, ठीक है। जैसे ज्वेलरी की भी हम लोग बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी अगर आप पे अच्छा दिखता है, सिल्वर भी आप पे अच्छा दिखता है, बट कौन सा ज्यादा जचता है। अगर आपको लगता है गोल्ड में आप ज्यादा अच्छे दिखते हैं, जैसे अगर मैं रेड पहनू, मरून पहनू, ऑरेंज पहनू तो मुझ पे बहुत अच्छा दिखता है, तो मतलब मैं वार्म न्यूट्रल हूं। और कूल कलर्स अगर मैं पहनती हूं तो वो भी ठीक ही दिखता है, बट ज्यादा अच्छा ये वाले वार्म कलर्स अच्छे दिखते हैं मुझ पे, तो इसलिए मैं वार्म न्यूट्रल। तो ऐसे ही आप लोगों को देखना है, अगर आपके हाथों में दोनों वेन्स है, ग्रीन भी है ब्लू भी है, तो आप लोग न्यूट्रल है, बस देखो कौन से वेन्स ज्यादा है, ग्रीन वेन्स ज्यादा है या ब्लू वेन्स ज्यादा है। ग्रीन वेन्स ज्यादा है तो वार्म न्यूट्रल है, ब्लू वेन ज्यादा है तो कूल न्यूट्रल हो। तो वार्म न्यूट्रल मतलब क्या, आप लोगों को जो भी फाउंडेशन यूज करोगे आप लोग येलो अंडरटोन के फाउंडेशन यूज करने, और अगर आप लोग कूल न्यूट्रल हो तो कोई भी फाउंडेशन आप लोग यूज करोगे उसमें पीच अंडरटोन होना चाहिए, तो पीच अंडरटोन के फाउंडेशन आप लोग यूज कर सकते हो। तो आई होप अभी ये एकदम क्लियर हो गया। आप लोगों को थोड़े ब्रांड्स बताऊंगी, फिनिश बताऊंगी फाउंडेशन का, कौन सा फिनिश किसके लिए होता है और उसके हिसाब से फिर आप लोग खरीद सकते हो। तो फिनिश के लिए आप लोग सिर्फ देखना गाइस फाउंडेशन पे लिखा होता है कि वो मैट है या उसका फिनिश क्या है, मैट है उसका फिनिश या इल्यूमिनेटिंग फिनिश है। तो अगर उस पर लिखा है कि फाउंडेशन में लिखा है कि ये मैट फाउंडेशन है, या तो फिर आप लोग हाथ लगा के भी देख सकते हो, ड्राइंग लग रहा है तो मैट है। तो अगर आपके फाउंडेशन इसमें जैसे देखो एले गर्ल में लिखा है इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, नार्स में लिखा है रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, तो अगर आपके फाउंडेशन में ऐसे लिखा है रेडियंट, इल्यूमिनेटिंग, ड्यूई, फिर हाइड्रेटिंग, नरिशिंग, ऐसे सब नाम है तो मतलब वो ड्राई स्किन के लिए बने हैं। फिर अगर ऐसे लिखा है मैट फाउंडेशन है,
या इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर ऐसे मैट फाउंडेशन अगर किस पे लिखा है, ऑयल कंट्रोल, ऑयल अब्जॉर्बिंग, ऐसे वर्ड्स है, तो फिर वो ऑयली स्किन के लिए है। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको देखना है गाइज, आप लोग ज्यादा नॉर्मल टू ड्राई हो या नॉर्मल टू ऑयली हो। नॉर्मल टू ऑयली हो तो आप लोग मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हो, या तो फिर आप लोग ड्यूवी फाउंडेशन यूज करो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो जो भी नॉर्मल स्किन वाले, नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली, आप लोग क्या कर सकते हो, एक मैट और एक ड्यूवी फाउंडेशन को मिक्स करके भी लगा सकते हो, क्योंकि वो सेमी मैट बन जाता है और एकदम परफेक्टली आपके सारे स्किन को वो अच्छे से मैच हो जाएगा। फिर अगर ऐसे फाउंडेशन आप देखोगे जिसमें ड्यूवी भी नहीं लिखा है, जिसमें मैट भी नहीं लिखा है, तो मतलब क्या है, ऐसे फाउंडेशन हर एक स्किन टाइप के लिए होते हैं। अगर उस पर लिखा नहीं है कुछ भी, तो ऐसे फाउंडेशन आप किसी पे भी लगा सकते हो, ड्राई स्किन ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन। बस इतना ध्यान रखो गाइस कि आपको स्किन प्रेप अच्छे से करना है। ड्राई स्किन पे लगा रहे तो ड्राई स्किन का प्रिपरेशन मतलब क्रीम मॉइस्चराइजर वगैरह बहुत अच्छे से लगाना। ऑयली स्किन पे कर रहे हो तो बहुत अच्छा मैट मॉइस्चराइजर, जेल मॉइस्चराइजर्स और ये सब कुछ बहुत अच्छे से लगाना। तो फिर आप लोग कोई भी ऐसे फाउंडेशन जिसपे कुछ नहीं लिखा है वो यूज कर सकते हो सब पे। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया। थोड़े शेड नंबर्स भी दे देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों का जो भी स्किन टोन है, फेयर लाइट मीडियम, सबको कुछ ना कुछ मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने सब ऑयली स्किन का पहले लिखा है, तो एले गर्ल मैट, मैक्स स्टूडियो फिक्स, हुडा ब्यूटी, एस्टी लॉडर, फॉरएवर 52 और पैक स्पॉटलाइट, ये सब ऑयली स्किन के लिए है। और अगर इसमें से अफोर्डेबल आपको चाहिए तो फॉरएवर 52 अफोर्डेबल है, पैक स्पॉटलाइट अफोर्डेबल है, और एले गर्ल, ये तीन अफोर्डेबल ब्रांड्स है, और मैक, हुडा और एस्टी, ये तीनों महंगे है। ठीक है, ये तीन आप लोग खरीद सकते हो। और आप लोगों को पीएसी एलेगल, ये तो आप लोगों को आई थिंक नायका पे भी मिल जाएगा। फॉरएवर 52 नायका पे नहीं है शायद, बट आप लोग इसको आराम से उनके साइट से खरीद सकते हो इंस्टाग्राम से। तो फिर ऑयली स्किन का है ये, और ड्राई स्किन का मैं बाद में लिस्ट दे दूंगी। तो अगर आप लोगों को एलेगल खरीदना है तो एलेगल के जो एलेगल का खरीदना चाहते हो, और अगर आप लोग फेयर हो बहुत एक्सट्रीम एकदम पिंक अंडरटोन है तो पोर्सिलिन, वरना फिर फेयर आप लोग खरीद सकते हो। फेयर में वॉर्म अंडरटोन है जो मैं भी यूज करती हूँ, इसमें मिक्स करती हूँ मैं, बट ये ऐसा है। ओके, थोड़ा वॉर्म अंडरटोन है इसमें, अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा और डार्क शेड का फाउंडेशन मिक्स करके फिर लगाती हूँ। वॉर्म कैरेमल है मीडियम के लिए, और कैपेचिनो, तो ये आप लोग यूज कर सकते हो। तो हमेशा देखो गाइस, कैरेमल नाम आता है ना, तो मीडियम टू मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए होता है। फेयर, बेज, डेजर्ट बेज, ऐसे सब नाम आते हैं तो मीडियम स्किन टोन के लिए होते हैं वो, तो ऐसे देखना है आपको। फिर मतलब ड्रग स्टोर में आप अफोर्डेबल ब्रांड्स में हमेशा ऐसे ही नाम होगा, मेबेलिन का भी आपको लेना है तो वैसे ही होगा। मैक्स स्टूडियो फिक्स अगर आपको लेना हो बहुत फेयर हो तो NC20, लाइट स्किन टोन है आपकी तो 30, अगर आप लोग मीडियम हो थोड़ा सा पीच अंडरटोन है तो 35, और 45 अगर आप लोग डार्क हो तो। फिर हुडा ब्यूटी में चाय अमेरिटी और एक है गाइस 38 अगर आप लोग मेरे जैसे हो तो मीडियम। ओके, 38 NC38 भी मतलब मेरा स्किन टोन, मेरा फाउंडेशन है ये, तो अगर आप लोग मेरे जैसे हो मीडियम स्किन टोन के तो आप लोग 38 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 35 जो है वो लाइट मीडियम के लिए है, और 38 मीडियम के लिए, और 45 डार्क के लिए है। ठीक है, सो आई होप मैक का भी क्लियर है। फिर हुडा ब्यूटी में चाय अमेरिटी टॉफी, ये तीन शेड्स है। एस्लर में रेप्टन 3W 1.5 और रिच कैरेमल, तो इसका नाम शायद फॉन है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मेरा शेड कैश्यू है क्योंकि मेरा थोड़ा ऑलिव अंडरटोन है, बट उससे 1.5 कम 1.5 आता है, फॉन है शायद, तो वो एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा वार्म गोल्डन अंडरटोन है उसका, तो काफी अच्छा दिखता है वो। तो रेटिन ये और रिच कैरेमल तीनों भी बहुत अच्छे हैं, ये डार्क स्किन टोन के लिए मीडियम, और ये फेयर, लाइट फेयर। तो अगर इससे भी कोई फेयर है तो उससे भी आप लोग लाइट लेना, डेजर्ट पेज वगैरह कलर है वो देख लेना। फॉरएवर 52 में चीज केक, कस्टर्ड, हनी, कैरेमल, तो ये डार्क स्किन, ये मीडियम स्किन, ये फेयर स्किन, ये लाइट स्किन, और पैक स्पॉटलाइट में 2, 10 और 14। तो ऑयली स्किन को पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, अभी मैं आप लोगों को ड्राई स्किन और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए लिस्ट बताती हूँ। तो सेंसिटिव स्किन है आपकी तो भी आप लोग इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, मैक, एस्टी लॉडर, ये अच्छे है सेंसिटिव स्किन। ये हो गया है गाइज, अब मैं आप लोगों को ड्राई स्किन का नंबर दे देती हूँ। तो गाइज ये सब ड्राई स्किन के फाउंडेशन मैंने लिखे है, तो लॉरियल टोटल इन्फॉलेबल एकदम अफोर्डेबल ब्रांड है और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। नार्स भी ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, और मेबेलिन में अगर ड्यूवी मिला तो ही मैट मिलता है, इंडिया में शायद ड्यूवी नहीं मिलता है, ड्यूवी अगर मिला तो अच्छा है मेबेलिन का। उसमें आप लोग 128 वार्म न्यूड या न्यूड बेज, सन बेज, कैरेमल, ये सब शेड्स अच्छे हैं उसके। फिर शार्लेट टिलबरी का आप लोग 4, 7, 9, 11 ले सकते हो। नार्स में आप लोग बहुत फेयर हो तो गोबी,
अगर आप लोग मीडियम में है, लाइट मीडियम में, तो आप लोग पंजाब ले सकते हो। मीडियम टू मीडियम डार्क हो बार्सिलोना, बहुत डार्क हो तो टाहवी। फिर लॉरियल में आप लोगों को 2016, 9, 12, तो ये सारे शेड्स आप लोगों को, ये ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। तो आई होप अभी आप लोगों को फाउंडेशन के नंबर्स, फाउंडेशन के ब्रांड सब कुछ मिल गए हैं एंड आप लोग अभी अच्छे से फाउंडेशन खरीद सकते हो। बस आप लोग देखना कि आप लोग कितने फेयर हो, कितने लाइट हो, या तो फिर आप लोगों को थोड़ा मिक्सिंग करना होगा। इनकेस आप लोग पंजाब लेके आए और आपको लगा कि अरे पंजाब बहुत ज़्यादा फेयर है, तो फिर आप लोगों को इसमें से कोई भी 206, 209 या बार्सिलोना या इसमें से कोई भी डार्क शेड, जो भी अगर आपने एक नार्स का लिया, एक मेबिलिन का लिया है, तो मेबिलिन का कैरेमल अगर आपके पास है तो कैरेमल और पंजाब आपको मिक्स करके लगाना होगा थोड़ा उसको डार्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल, तो ये डार्क स्किन के लिए, मतलब ये डार्क करने के लिए। अगर इनकेस आपको लाइट करना है, आप लोग पंजाब लेके आओ और आपको लग रहा है कि अरे ये बहुत, ये इससे भी मुझे लाइट चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, तो कोई भी किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन आप लोग उसमें मिक्स कर सकते हो। नार्स बहुत महंगा है तो दो नहीं ले सकते हो, तो कोई भी अफोर्डेबल ले लो। जैसे वार्म न्यूड हुआ मेबिलिन का, तो मेबिलिन का वार्म न्यूड ले लो और उसके साथ थोड़ा मिक्स करो, थोड़ा उसको फेयर करने के लिए। लॉरियल का 201 लो, इसके साथ मिक्स करो। 201 भी डार्क लग रहा है तो उससे भी थोड़ा लाइट लो, तो उसके साथ मिक्स करके उसको फेयर बना दो। तो कोई भी फाउंडेशन को आप लोग मिक्स एंड मैच करके गाइस अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हो। गाइस आई होप ये सब क्लियर है। तो कोई भी फाउंडेशन को आप लोग मिक्सिंग कर सकते हो, लाइट एंड डार्क शेड आप लोगों को मिक्स करना होगा जैसे आपको बनाना है। डार्क करना है तो डार्क शेड थोड़ा ज्यादा मिक्स कीजिए, लाइट करना है तो लाइट शेड थोड़ा ज्यादा मिक्स कीजिए। एक हाई एंड, मतलब एक एक्सपेंसिव अगर आपके पास है और दूसरा अगर आपके पास अफोर्डेबल में है मेबिलिन लॉरियल, तो उसका भी फाउंडेशन आप लोग मिक्स कर सकते हो हाई एंड, मतलब महंगे प्रोडक्ट्स के साथ, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट फाउंडेशन प्लस ड्यूई फाउंडेशन आप लोग मिक्स कर सकते हो, ये आप लोगों को रिजल्ट क्या देगा, सेमी मैट, जो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ये सेमी मैट रिजल्ट देगा, तो बहुत ड्राई भी नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा ड्यूई भी नहीं लगेगा, सेमी मैट रिजल्ट देगा। हर एक स्किन टाइप पे जाएगा। अगर बहुत ही एक्सट्रीम ऑयली स्किन है किसी की, तो फिर आप लोग सिर्फ मैट फाउंडेशन यूज करो, वरना आप हर किसी स्किन टाइप के लिए मैट और ड्यूई फाउंडेशन मिक्सिंग करके लगा सकते हो। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया है। और आज आप लोगों को फाउंडेशन कौन से शेड्स खरीदने हैं, कौन से ब्रांड्स खरीदने हैं, कौन सा आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको लेना है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो गाइस प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से आप लोग कौन सा फाउंडेशन लेना है, ये पूरा लिस्ट दे दिया। अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइस वीडियो को। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।